हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट चैनल। आज हम लोग एक बुक देखेंगे जो रेलवे में मैथमेटिक्स का सिलेबस कवर करता है। किरण पब्लिकेशन का ये बुक है। इसमें जितने भी अभी तक एग्जाम हुए हैं, जो लेटेस्ट में जो एनटीपीसी का एग्जाम हुआ है, चाहे ग्रुप डी का एग्जाम हुआ है, उसको भी इसमें इंक्लूड किया गया है। उसके भी क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। पिछला इसका जो एडिशन था उसमें करीब 8,700 के आसपास में क्वेश्चन था, लेकिन इसमें 10,000 प्लस क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया गया है। मतलब जो अभी एग्जाम हुआ है ग्रुप डी और एनटीपीसी को, इसमें भी उसको इंक्लूड कर दिया गया है। तो ये बुक आप चाहें तो मार्केट से खरीद सकते हैं। अगर इस बुक को अगर आप सॉल्व कर लेते हैं पूरा बुक, वैसे तो अगर पूरा बुक एक बार में भी अगर चाहें सॉल्व करें, कई लोग इसको रिविजन भी करेंगे, सारे चैप्टर अगर आप नहीं भी करेंगे, फिर भी अगर जितने भी इसमें क्वेश्चन हैं लगभग अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो आपका जो रेलवे का जो सिलेबस है वो लगभग कंप्लीट हो जाएगा। 10,000 प्लस क्वेश्चन बहुत होते हैं और बहुत से क्वेश्चन इसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो इसकी जो प्राइस है वो मैं आपको पहले सबसे पहले बता देता हूँ। इसकी जो प्राइस यहाँ पे लिखी हुई है 525 रुपीज़ है। ऑफलाइन अगर आप लेते हैं तो इसमें ऑफ आपको जरूर मिलेगा। तो नज़दीकी शॉप पे अगर आप जाते हैं तो ये बुक आपको वहाँ पे इजीली अवेलेबल मिल जाएगा, और चाहे तो आप ऑनलाइन भी आप इसको मंगा सकते हैं। इस बुक का कंटेंट मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। सबसे पहले वाले पेज पे अगर आप देखेंगे तो एक इसमें 20 सेट का आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बायलिंगुअल टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा, जिसमें 20 सेट अवेलेबल रहेंगे। यहाँ पे स्क्रेच रहे कार्ड रहेगा, इसको आप स्क्रेच करके अब इसके एप्लीकेशन में जब आप एंटर करेंगे तो आपको 20 फ्री मॉक टेस्ट देने को आपको मिल जाएगा। तो ये बुक हो गया। इसमें टेबल ऑफ कंटेंट मैं आपको दिखा देता हूँ। पिछली बार भी जो मैंने ये बुक आपको दिखाया था तो सेम वही सब चीज़ें थी, बस इसमें क्वेश्चन को थोड़ा सा बढ़ा दिया गया। कुछ लोग इसमें कह रहे थे कि क्या इसमें एनटीपीसी का या फिर ग्रुप डी का क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया गया है, तो इसमें अब इंक्लूड कर दिया गया है। इसमें सबसे पहली बात ये आप देख लीजिएगा कि हर एक चैप्टर में जितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं टाइप वाइज करके दिया हुआ है। जैसे टाइप 1, टाइप 2, मतलब टाइप जैसे जैसे बदलता है उस तरह के क्वेश्चन दिया होता है। आप क्या करेंगे, जैसे भी अगर आप सॉल्व करना शुरू करते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जैसे मान लीजिए मैं कहूँ कि ये टाइप 4 का क्वेश्चन है, तो इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए हैं आप 2-4 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन शुरू के सॉल्व कर लीजिए। फिर उसके बाद से अगर आप देखेंगे कि सेम पैटर्न क्वेश्चन बार बार देखने को मिल रहा है, उसको छोड़ करके आप फिर नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन आप इसमें सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं थोड़ा सा सोल्यूशन का। तो सोल्यूशन इसमें सारे चैप्टर में दिया तो है, लेकिन मैं कहूँगा कि सोल्यूशन इसके भी अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। बाकी ऑनलाइन माध्यम से जो भी आप ट्रिक से समझते हैं या फिर किसी का कोर्स से पढ़ते हैं, यूट्यूब के माध्यम से पढ़ते हैं, किसी कोचिंग से पढ़ते हैं, तो उसमें जो तरीके बताए जाते हैं वो शॉर्टकट तरीके हैं। इसमें भी कुछ शॉर्टकट तरीके हैं, लेकिन कुछ इसमें सोल्यूशन के लेंथी मेथड दिए हुए हैं। तो लेंथी मेथड हमें नहीं फॉलो करने हैं, आपको शॉर्टकट तरीके फॉलो करने हैं और जो ट्रिक्स होते हैं उसको फॉलो करने हैं, क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कम टाइम में करना होता है। तो वो भी आप देखिएगा। बाकी इसमें सोल्यूशन ऐसा नहीं है कि बेकार दिया हुआ है, सोल्यूशन इसमें अच्छे से समझा करके दिया हुआ है, तो आप सोल्यूशन भी यहाँ से देख सकते हैं। बाकी सारे जो चैप्टर हैं इसमें इंक्लूड करके दिया हुआ है। पूरी बुक आप देख लीजिए कितनी मोटी है, और लगभग बहुत सारे क्वेश्चन इसमें हैं। आप चाहें तो अगर सॉल्व करना तो इतना अगर आप सॉल्व कर ले जाते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे नहीं लगता कि कहीं और से भी और प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी। बाकी आप मॉक टेस्ट तो आपको देना ही देना है। मैं ऑनलाइन इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहे तो वहां से ले सकते हैं। बाकी अगर नज़दीकी शॉप पे भी जाएंगे तो ये बुक आपको मिल जाएगी। ऑफलाइन अगर लेते हैं तो हो सकता है उसमें ज़्यादा आपको ऑफ मिल जाए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बुक के साथ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।